ओके किशोर एंड तानिया एंड तेजस्वी, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगी वीरू मुड़े के साथ में आप लोग जुड़े हैं, बताइए इसके बारे में। आई थिंक वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, हमें हमेशा से ही वेरोमोडा के कपड़े बहुत पसंद आए हैं और यू नो कोलैबोरेटिंग विद द ब्रांड इज ह्यूज फॉर अस और आल्सो गेटिंग अ चांस टू ट्रैवल विद फिट्स अप एंड यू नो ट्राइंग टू बी फिट इज अनदर थिंग, तो ट्राइंग टू बी फिट, नो नो यू शुड सी मी ईट। तो आई थिंक जितने भी फिट्स अप ट्रिप्स हुए हैं उसमें व्हाटएवर वी वोन has been our kind of styling, but this time Vermoda styling all of us and helping us to look good, you know, in the pictures, and it's very different kind of you know clothes and outfits that we're going to be actually wearing in a fits up trip, which we've never done, so I think it's going to be really really exciting and to see those pictures because I'm sure all of us are going to look great. Because we are wearing the autumn winter collection. So we are wearing the autumn winter collection of Vermoda, and I have never worn a winter collection to a beachy place, so I think it's going to be great. And we are going to do a lot of layering and a lot of experiments with our looks. Yeah. So you will find a lot of hot, nice, pretty pictures on our Instagram. All covered with weather look. Yeah. On the beach. Yes. That's a different, that's experimental. Yeah. Okay, इसी के साथ परसों लिए अगर आप तीनों के लिए बात करी है, तो क्या स्टाइल मंत्र है आप तीनों का अगर आप लोगों की बात करें? I think my style mantra is totally comfort, yeah. मतलब I look at comfort first and then I go for style and fashion and trends. Even if I want to be with the trend, it has to be like a, you know, comfortable वो in a way, you know. Otherwise मुझसे नहीं होता यार ज़्यादा तैयार होना और यू नो एकदम पागल हो जाना, आई कैन डू इट, आई एम वेरी बेसिक। आई थिंक हमारे शी इज आवर स्टाइल गुरु, यू शुड सी हर पिक्चर्स, शी इज ऑलवेज हेड टू टो ऑलवेज रेडी, आई थिंक शी वॉक्स एंड गोज टू द मॉल ऑल्सो विद अ फोटोग्राफर, ओवर शी डजंट वॉक विदाउट अ फोटोग्राफर, मुझे तो लग रहा है आप में से एक इनके पर्सनल फोटोग्राफर है यहाँ पर, सो आई थिंक शी इज ऑलवेज लाइक दिस हॉइटी टॉइटी परफेक्ट पर्सन, आई एम द मोस्ट झल्ली पर्सन, मैं यहाँ पर भी एवी मतलब उठ के आई हूँ, द क्लोथ्स हैव बीन गिवन बाय देम, आई हैव नॉट डन एनी थिंग, सो आई एम लाइक द पर्सन हु ट्राइज द लीस्ट, आई एम लाइक ओके यू वॉन्ट टू गिव मी नो ओके लाइक वेरी चिल, या आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है मेरे पे मैं वो ही जाती हूँ, ऑब्वियसली स्टाइलिस्ट आर देयर टू हेल्प, बट आई रियली गो विद माई इंस्टिंक्ट, इफ आई लुक गुड इन इट दैट्स माई अटायर फॉर द डे। ओके, इसी के साथ में ट्रिप की अगर बात करी जाए तो क्या क्या तैयारी करी हुई है ट्रिप के लिए? बड़े मजे करने वाले हैं। हाँ, वैसे तैयारी हमें क्या करनी है, हमें तो टॉर्चर होना है बिकॉज साहिल और सनी हमें वर्कआउट करवाने वाले हैं, सो वी आर जस्ट गोना गेट टॉर्चर्ड एंड उसके बाद हमें बोलेंगे, एंड उसके बाद हमें बोलेंगे कि अच्छे से जाओ वेरोमोडा के कपड़े पहन के आओ, वी हैव टू क्लिक गुड पिक्चर्स, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, एंड ऑफ कोर्स द आइटिनरी इज रियली रियली गुड बिकॉज इट्स टेकिंग अस टू लाइक ब्यूटीफुल प्लेस, एंड द प्लेस दैट वी आर स्टेइंग इन इज द विलास आर, मतलब दे आर दैट या इट्स beautiful, it's like on the beach and you know infinity pool and it's got a gym and their personal spa, to dekha gym ki baat aa gayi, main bol rahi hoon अरे यार फिट्स अप के लिए जा रहे तो जिम की बात तो करेंगे। नहीं, मैंने सबसे पहले पूछा किचन कितना बड़ा है, शेफ कितने हैं, मेन्यू में क्या क्या है, होम थिएटर है या नहीं, स्विमिंग पूल है या नहीं, शी इज लाइक नो आई डू आई डू आई गेट माय जिम, इज देयर अ पर्सनल ट्रेनर, आई वांट अ फिजियो प्लीज, आई डोंट वर्क लाइक दैट। फिट्स अप की बात जब भी आती है तो सबसे पहला बात आता है फिटनेस, फिटनेस मंत्र क्या है? मैं बोलूँ तो मैं आई एम नॉट अ वर्कआउट पर्सन, आई एम इन टू लाइक यू नो इफ आई डांस सो दैट्स वर्कआउट फॉर मी, सो आई डू मोर ऑफ डांस वर्कआउट एंड दैट्स प्रीटी गुड फॉर मी बिकॉज आई लव डांसिंग और वही वर्कआउट हो जाता है, सो आई डोंट रियली जिम, दीज आर द पीपल हु जिम। आई थिंक माय फिटनेस मंत्रा इज टू गो शॉपिंग बिकॉज मॉल्स में जितना ज्यादा चलती हूँ उतना मेरे ज्यादा कार्डियो हो जाता है, सो आई गेस दैट्स परफेक्ट फॉर मी, एंड फॉर मी इट विल बी ग्रोसरी स्टोर्स, आई पिक अप ऑल द पॉसिबल organic things and I end up eating like a roadside pani puri, my mom is like why do you buy it, why do you to nahi khati hai, tu khareedti kyu hai, I'm like yeah it's okay, so yeah that's iske liye big boss bhi aa raha hai, kitna follow kar rahe hai aap? Obviously she is to be in a part of ex contestant hai, lekin I'm also watching it because
my two screen mothers are there inside, so it's really fun watching them. Aarti Singh and Aarti Singh was my real mother, and even Devolina. So we have one contestant we are actually supporting, that is Aarti. Yeah, so they both are there inside and they're playing really well. So yeah, all the best. Yeah, I'm watching it and I'm really happy that, you know, it's actually sirf celebrities ka hai is bar. So it's good. Watching it and of course personally about kariye to aapka favorite content kaun aapke sabse sahi ja raha hai mere hisab se jo sahi ja raha hai I think Sana is very very entertaining, so she is going to stay there for a very very long time, maybe till the end. And Devolina is ki maa play kar rahi hai, but I'm sorry, but she's really not doing anything much in the house. That's what I'm saying. She's she's only cooking and that's it. So I think Paras and jo dikh rahe hain sabse zyada Paras Siddharth and you know Rashmi and Sana Mahira Aarti matlab ye itne hi log dikh rahe hain, Shefali I think and Siddharth, so the others are just, you know, मैंने सीजन वन की बात करते हैं इनसे पहले नहीं मैंने एक्चुअली नहीं मैंने बहुत कम देखा है एंड आई डू हैव सीजन वन देखना बंद कर दिया एग्जैक्टली इसको नहीं जिताया ना सॉरी या या इट्स नॉट फेयर नॉट फेयर उसकी पिक्चर्स देख के मैं बोल रही हूँ ओह माय गॉड इसको जिता दो कल मैंने इसका एक फोटोग्राफ देखा जिसमें इसकी आई हर्ट हो गई थी एंड ऑल ऑफ दैट आई एम श्योर यू ऑल डोंट नो सी आई एम गिविंग अ मसाला सो उसकी आंख पे चोट आ गई थी एंड या सो आई थिंक हमारी लड़की ने बहुत बहुत एडवेंचर है भाई लड़की बहुत मेहनत की है शी हैड टू लेट गो बट या हाँ द जर्नी वॉज ब्यूटिफुल आई मैं रुक नहीं सकती जब वो मतलब आई कॉन्ट वेट फॉर इट टू एयर ऑन टी वी और बहुत आई थिंक इट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सो जस्ट लाइक आई कीप सेइंग फॉर बिग बॉस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस शी हैज द सेम थिंग टू से अबाउट खतरों के खिलाड़ी एंड शी हैज द सेम एज साथिया लाइफ टाइम एक्सपीरियंस I think सबसे अच्छा रिएक्शन मेरी इंजरी को लेके किशोर ही देंगी बिकॉज़ शी वाज पेट्रिफाइड कैसा था आप बताइए आई वाज लाइक ओह माय गॉड एंड सनी ने बोला कि तूने देखा नहीं अरे बात मैंने तो डिलीट कर दी फोटो यार जैसे उसने मुझे भेजा मैंने डिलीट कर दी ऐसा उसने मुझे बोला उसके बाद भी मुझे इमेजिन लोग मेरी इंजरी की पिक्चर देख के डिलीट कर रहे हैं एवरी मॉर्निंग आई हैड टू वेक अप एंड सी माय सेल्फ इन द मिरर लाइक दैट थोड़ा टफ तो था ही But I think it's okay, yaar. Matlab, experience. It's an experience. It's an experience. Okay, lastly, Diwali aane wali hai. Kya kehna chahenge aap? Happy Diwali! Happy Diwali! Yay! Aur kya keh sakte hain? Thank you. Thank you so much. Sabse pehle to क्या कहना चाहेंगी फिल्म उड़ा के साथ में जुड़ी हैं आप कुछ बताइए इसके बारे में बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक्चुअली एक ऐसा ब्रांड है जो मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ आई लाइक टू वेयर दीज क्लोथ्स एक्चुअली आई ओन अ लॉट ऑफ वेरोमोडा क्लोथ्स दे आर वेरी कंफर्टेबल दे आर वेरी माई स्टाइल एंड नाउ दैट आई एम एक्चुअली एसोसिएटेड विद इट फॉर दिस ट्रिप इट मेक्स मी रियली हैप्पी बिकॉज नाउ आई कैन वेयर देम एंड फ्लॉन्ट एज मच एज आई वॉन्ट ओके पूजा इसी के साथ में ट्रिप की अगर बात करी जाए तो क्या क्या प्लान्स कर रखे हैं विजिट ट्रिप के देखो डिटेल्ड प्लान तो आपको सनी बता सकते हैं सनी और नीरज बिकॉज डिटेल आइटिनरी मुझे ऐसे बाय हार्ट नहीं है बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एडवेंचर देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ यू नो जस्ट रिलैक्सिंग ऑफ कोर्स फिटनेस की बात करें फिटजप के लिए जा रहे हैं तो फिटनेस तो होना ही है हेल्दी ईटिंग होना है एंड ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करेंगे हम अलग अलग आइलैंड्स पे जाएंगे इट्स गोइंग टू बी आइलैंड हॉपिंग और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न हाउ टू कुक विद अ शेफ कम 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 आ जा आ जा आ जा सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आर वी गोइंग टू डू ऑन द ट्रिप ओ हाँ तो फिटसअप ट्रिप हमेशा एक फिटनेस ट्रिप होता है जब हम जाते हैं कोई भी वैकेशन के सबसे बड़ा फियर यही होता है कि वेट पुट ऑन होने वाला है बिकॉज हम सब कुछ खाते पीते हैं सो या फिटसअप ट्रिप का यही है कि आप बहुत हेल्दी खाते हैं हम एंड वी बिगिन आवर डे विद अ वर्कआउट सो दैट्स रियली फन स्पेशल कुछ ऐसा प्लान किया है कि ट्रिप पे जाके ये करना है वो करना है कुछ ऐसा या कुछ रिसर्च किए हो गए क्योंकि हम कभी
हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें आइटनरी मिल जाती है जो कि बेस्ट ऑफ द थिंग्स हम वहाँ पर करते हैं, बेस्ट ऑफ द चीज़ें खाते पीते हैं और सबसे अच्छी अच्छी जगह ही देखते हैं. सो हमें करने की कुछ जरूरत नहीं होती, हमें सब फिज़ा वाले करके प्लान सेट करके दिया जाता है. सो दैट्स एक्चुअली हमारा वो स्ट्रेस निकल जाता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है. I love traveling. I love traveling, and I mean, especially जहाँ आपको, as I said, हमको इतना stress नहीं लेना पड़ता है, जहाँ आपको पता है कि these are the places to see, these are the places to go, these are the best places, ये miss नहीं करना चाहिए. When things have been made so easy for you, I think I never want to miss a trip, and I have been able to, I think, be on almost every trip. But yeah, I think I absolutely love traveling. सेम विथ मी, मुझे भी ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है. मैं मतलब अगर मैं ऐसे भी वर्क के लिए भी ट्रैवल ना करूँ, मैं थोड़ा टाइम निकाल के पर्सनली भी ट्रैवल कर लेती हूँ. एंड हमने एक्चुअली एक ट्रिप किया है साथ में, सो आई थिंक गुड कंपनी ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो यू नीड गुड पीपल टू ट्रैवल विथ. तो हम सारे अच्छे अच्छे लोग, सारे फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं, सो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट ट्रिप. फैशन फिगर बहुत क्रिया है, तो व्हाट इज योर स्टाइल? सी, आई लाइक बीइंग कंफर्टेबल. आपको अच्छा दिखना है, दैट्स इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स, बट अगर आप कंफर्टेबल हो, आप अपने आप को अच्छी तरह कैरी कर लेते हो, तो आप जो भी पहनो आप अच्छे ही लगोगे, बिकॉज यू कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर वेयरिंग. सो मैं भी आई ट्राई टू बी कंफर्टेबल. आई डोंट वेयर क्लोथ्स इन विच आई एम नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि फिर वो मेरा ही बॉडी लैंग्वेज खराब कर देता है. सो इट्स बेटर टू बी कंफर्टेबल एंड लुक गुड. Agreed, agreed. I think comfort with fashion is very important. You know, there are a lot of people who believe that, you know, fashion is painful and fashion is uncomfortable and you have to endure all of that pain for fashion. I do not believe that. I think you can be extremely comfortable and in your own skin and just the way you are, rather than, you know, following the trend and being a part of the herd mentality. I'm, as I said, I'm very, very happy that, you know, our fashion partner is going to be Vera Moda, because it's a very comfortable brand for me. मैं सच ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने पहला वीक बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था, बट उसके बाद बिकॉज ऑफ वर्क आई कुडंट रियली फॉलो इट. बट बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे इस बार का बिग बॉस. आई थिंक हर कंटेस्टेंट बहुत अलग है एक दूसरे से, और सब बाहर आ रहे हैं खुल के, एंड विच इज़ वेरी नाइस. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आई एम लाइकिंग इट. फेवरेट, मैं जैसे कि कहा कि मैंने सिर्फ पहला हफ्ता देखा, और बहुत पहले में रिवील हो जाता है, बट इट्स टू सून टू जज समबडी, बिकॉज मैंने किया है, मुझे पता है वो असली रंग ना एक्चुअली बाद में निकलते हैं. बट फर्स्ट वीक मुझे काफ़ी लोग एंटरटेनिंग लगे पर्सनली, मतलब मैं तीन लोगों को जानती हूँ, रश्मि, पारस एंड आरती. बट आई एम ऑल्सो लाइकिंग शहनाज, शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग. तो या आई थिंक आई एम एंजॉइंग दिस टाइम. I have absolutely no clue ki Big Boss mein kya chal raha hai, kaun hai Big Boss mein. Yeah, I just got to know about the names from her. I genuinely, mujhe to kab shuru ho gaya yahi nahi pata chala is bar. It was pretty shocking. Do episodes ho chuke the, and there were, I mean, people were talking about it, and I didn't realize. So I have absolutely no update about it. Acha, just as a guest jaate hain हाँ, क्यों नहीं, अभी तक तो नहीं जा रही हूँ मैं, बट ऑफकोर्स दैट हाउस इज़ वेरी स्पेशल. मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ 2 महीना, 70 days एक्चुअली. तो बहुत यादें जुड़ी हैं उस घर के साथ. सो आई वुड लव टू गो एंड हैव अ लुक एट द हाउस एटलीस्ट. ओके, लास्टली क्या विशेस देना चाहेंगे दिवाली की, आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? सभी को यही कहना चाहेंगे दैट आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सेफ रहिए, पोल्यूशन फ्री और नॉइज़ फ्री दिवाली मनाइए. दिवाली का मतलब ये होता है कि दीप जलाना, रोशनी फैलाना, ना कि पोल्यूशन बढ़ाना. सो अवॉइड करें पटाखे जलाना, पटाखों के बगैर भी दिवाली मन सकती है. और क्योंकि ये चीज़ जो एनिमल्स है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ऑफकोर्स एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन फ्री होना और नॉइज़ पोल्यूशन फ्री होना ज़रूरी है. सो जस्ट स्टे सेफ एंड हैप्पी दिवाली. मेरी फ़ोटो रणवीर सिंह के साथ कब आई थी? उस चीज़ को 3 साल हो गए. वो गली बॉय के भी पहले की फ़ोटो थी, 3 साल हो गए. मैंने उनके साथ एक ऐड की थी, उसकी फ़ोटो थी. उसके बारे में क्या कहूँ मैं? आई एम वेरी हैप्पी. आई मीन, व्हाट एम आई सपोज टू से अबाउट रणवीर? कितने सारे एक्टर्स की फिल्म आ रही है. वेरी हैप्पी यार, 83, इट्स कपिल देव बायोपिक. आई डोंट वॉन्ट टू से. ओके सृष्टि, आप क्या कहना चाहेंगे?
किस बारे में? अच्छा दिवाली के बारे में भाई, सबको मैं हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, और सॉरी आई नो तो यार सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड लेट्स हैव अ क्रैक ऑफ फ्री दिवाली दिस ईयर एंड ऑल द ईयर्स लाइक कमिंग ईयर्स, और लुक गुड, ड्रेस अप एंड हैव फन। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू।